पहला हिम्मत करके पुजारी ने चोर दे गलावे च पाया हाथ, फिर हथियार दे डर तो छड़ दिता चोर, माता दे मंदिर च आया सी चोरी करन। दसदीए तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे एक माता दे मंदिर दे विच चोर वड़ जांदा है, जिस तों बाद इह मंदिर दे विच कई कमरिया दीआं तलाशियां लैण लग जांदा है जिथों कि इह वड्डी चोरी नूं अंजाम दे सके। तां इह खड़का सुण के उत्थे मौजूद पुजारी उठ जांदा है, तां इस नूं वेख लैंदा है ते जदे भज्जण दी कोशिश करदा है तां इस नूं मौके ते ही कालर तों फड़ लैंदा है, जिस कारण इस दी पुजारी दे नाल हथों पाई हो जांदी है। ते फिर पुजारी नूं लगदा है कि उह किसी तेज धार हथियार दे नाल उसते हमला कर रहा है, जिस कारण पुजारी उसनूं छड़ दिंदा है ते मौके तों फरार हो जांदा है। ते सारी घटना सीसीटीवी कैमरे दे विच वी कैद हुई है। तां दस्सदे कि मामला गुरदासपुर तों सामने आया है जिथे चोर हुण मंदिरां दे विचों चोरी करन तों भी बाज नहीं आ रहे। तां माता दा मंदिर सी रात दे करीब 12:30 दा समय सी जदों इह चोर मंदिर दे विच वड़दा है, तां कई कमरियां दी इस दे वल्लों तलाशी लई जांदी है, तां चोरी दा समान लभ रिहा सी, तां इस दे वल्लों कुछ खड़का कीता जांदा है जिस नूं सुण के पुजारी उठ जांदा है। तां जदों पुजारी जाके वेखदा है तां चोर मौके ते मौजूद हुंदा है, तां भज्जण दी कोशिश करन लगदा है, तां पुजारी दे वल्लों इस नूं मौके ते ही कालर तों फड़ लिया जांदा है, जिस कारण पुजारी दे नाल हथों पाई हो जांदा है। जिस तों बाद पुजारी नूं लगदा है कि इस दे कोल कोई तेज़ धार हथियार सी, ते इस डर तो पुजारी उसनूं छड़ दिंदा है ते मौके तो फरार हो जांदा है। जिस तों बाद इस संबंधी सूचना पुलिस नूं भी दित्ती गई है, तां पुलिस हुण सीसीटीवी दे आधार ते इस चोर दी भाल कर रही है। मंदिर कनस्थती माता मंदिर गीता भवन के वेबसाइट मंदिर में 9 अप्रैल से लेकर के 26 जुलाई तक 108 रामायण का पाठ चल रहा है, जिसके कारण मंदिर में हर 1 घंटे के बाद ड्यूटी चेंज होती रहती, इसलिए मंदिर का छोटा गेट खुला रहता। इसके बावजूद आज रात्रि में लगभग 1:45 के बीच में कोई आदमी आया और वो मंदिर कमरों में जा कर के तलाशी लेने लगा। एक हमारे वृद्ध महात्मा है, उनके कमरे में गया और मैं जब उसकी आवाज़ सुना खटाके की तो मैं बाहर निकला तो उस चोर के नाल मेरी हथापाई हो गई और वो अपने बगल में कुछ रखे हुए था, इसलिए मैं डर गया कहीं किर्च वगैरह ना मार दे और वो भागा। भागने पर मैं उसके पीछे दौड़ करके गया, फिर मेरे ऊपर उसने हमला किया, बड़े मुश्किल अपनी जान बचाई। चुनाव का समय चल रहा है, बेअदबी भी कोई कर सकता है, मूर्ति खंडित भी कर सकता है या रामायण के पाठ का पेज भी फाड़ सकता है। इस कारण मैं सरकार से चाहता हूँ कि प्रशासन इसके ध्यान दे। उसके साथ पास में किर्च हो सकती थी या चाकू हो सकता, कुछ भी हो सकता था। कितनी बार हमला किया? 2-3 बार। हाँ जी, हाँ जी।